वेलकम टू डे टू ऑफ हांगकांग। इस फास्ट पेस्ड ट्रूली वाइब्रेंट और ट्रूली इंटरनेशनल कंट्री में आपका फिर से स्वागत है। हांगकांग की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट पेस है और ये फेमस है अपने गैस्ट्रोनॉमिकल फूड के लिए, अमेजिंग कल्चर के लिए और सुंदर ब्यूटी और टेंपल के लिए। क्योंकि बात टेंपल की हो रही है तो हमारा पहला स्टॉप है यहाँ का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल टेंपल जिसका नाम है मानमो टेंपल। मानमो का मतलब है गॉड ऑफ लिटरेचर एंड गॉड ऑफ वॉर, इन दोनों का मिलाकर एक टेम्पल बनाया गया है जो कि बहुत पुराना और बहुत ज्यादा पिक्चरस्क है। ये बनाया गया था 1847 से लेकर 1862 के बीच में, जो कि मेरे ठीक सामने है। तो चलो आपको दिखाते हैं हांगकांग का लार्जेस्ट मानमो टेम्पल। मानमो टेम्पल काफी ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही पुराने स्टैचूज थे तो लग रहा था कि लगभग 150 से भी ज्यादा साल पुराना मंदिर है। मजा आया अंदर जाके दर्शन करके। तो अब हम अगला स्टॉप जो है वो है शेली स्ट्रीट। और जो हांगकांग की एक बात देखिए तो काफी सारी स्ट्रीट ने स्टेयर से कनेक्टेड है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड वॉक एंड क्लाइंबिंग। और ये आज हांगकांग में इलेक्शन चल रहे हैं तो इस तरीके से ये लोग कैंपेन करते हैं और बोलते हैं हमारे प्रतिनिधि को वोट दें। तो भाई ये वोटिंग का मैकेनिज्म है यहाँ पर, और ऐसे जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं और ये लोग अपने प्लकार्ड लेके खड़े हैं अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट का। नंबर टू, नंबर दो, थैंक यू। सो राइट नाउ आई एम एट शेली स्ट्रीट, यही शेली स्ट्रीट है। और यहाँ की जो खास बात है कि जो पूरी की पूरी स्ट्रीट है वो लैडर स्टाइल में बनी हुई है, तो क्योंकि जो पूरा हांगकांग है वो पहाड़ी इलाके जैसा है तो पूरी की पूरी रोड को जो स्लोप है उसको काट के स्टेयर्स बना दिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाना है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो पूरी की पूरी स्ट्रीट को जो है वो एस्केलेटर से कवर कर दिया। तो बहुत लंबे लंबे एस्केलेटर है और उसको बोलते हैं कि एक स्ट्रीट पर रनिंग अगर आप एस्केलेटर की बात करो तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एस्केलेटर पॉइंट है। तो इसी स्ट्रीट की यही खास बात है, जब आप यहाँ पर आओगे तो एक लोकेशन पिन है, आप सर्च करेंगे SHELLEY शेले स्ट्रीट, तो जहाँ वो लोकेशन पिन है वहीं पर आ जाना, ये व्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ऊपर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे भी तो कोई व्यू नज़र नहीं आएगा, यही वो पॉइंट है जहाँ से बेटर व्यू नज़र आता है। तो मैं पूरा ऊपर तक पहले होके आया फिर वापस नीचे आ गया क्योंकि वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से खड़ोगे आप ये देखोगे एस्केलेटर 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 और पूरा स्टेयर्स व्यू, ये ही खास बात है स्ट्रीट की। अगर आप आना चाहो तो यहाँ आ सकते हैं, तो आपको कुछ बढ़िया बढ़िया व्यू दिखा देते हैं। स्पेशली स्ट्रीट देखने के बाद अब बारी है विक्टोरिया पीक जाने की। पर यहाँ पे ना एक मजेदार बात क्या है हांगकांग में कि ऐसे स्लोपी स्लोपी रास्ते हैं पूरे, तो बढ़िया है। पर वैसे आप मुझे देख रहे हो मैं अकेला ही हो गया हूँ, अकेला इसलिए क्योंकि गगन की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तो वो शेली स्ट्रीट तक तो आई पर लड़की थोड़ा डाउन डाउन फील कर रही थी, वो चली गई है वापस होटल अकेले घूम के। अजीब सा तो लग रहा है पर ठीक है, सोचा था कि फिर मैं भी चला जाऊंगा तो हम दोनों ही बैठ जाएंगे तो फिर अब देख नहीं पाएंगे जगह। एटलीस्ट अब मैं गगन के लिए और आप सबके लिए रिकॉर्ड तो कर पाऊंगा विक्टोरिया पीक क्या है कैसा दिखता है, उसके लिए भी एक्सपीरियंस वरना मिस हो जाता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वो होटल चली जाएगी और मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, देखता हूँ कैसे पहुँचूँ। सारी रिसर्च उसने की, अब मैं अकेला पड़ गया और अब मुझे खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे पहुंचना है विक्टोरिया पीक। चलो देखते हैं, सुना है वहां से व्यूज बहुत अमेजिंग आते हैं। ये भाई कोलकाता वाली फीलिंग, इधर चल रही है बस और उधर चल रही है ट्राम, मस्त है भाई हांगकांग। हाँ जी, तो फाइनली मैं बस में बैठ गया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि विक्टोरिया पीक जाने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका, आप टैक्सी लो और पहुंचो विक्टोरिया पीक, सबसे शॉर्ट क्रिस्प तरीका है। दूसरा तरीका कि आप सेंट्रल स्टेशन आ जाओ, वहां से आप पकड़ो ट्राम जो जाती है विक्टोरिया पीक, तो आप उस ट्राम से जा सकते हो जिसकी कॉस्ट आपको लगभग पड़ती है $88 राउंड ट्रिप और $62 एक साइड से अडल्ट की, तो आप वो भी ले सकते हो, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और तीसरा तरीका वही वेजी वंडर स्टाइल पर थोड़ा हसलिंग तरीका है जिसमें आप जाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके। तो अभी मैं बैठा हूँ बस नंबर 15 में जो मैंने ली थी सेंट्रल MTR स्टेशन से। तो जब सेंट्रल MTR स्टेशन उतरोगे तो एग्जिट ए से बाहर की तरफ निकलना और किसी से भी पूछ लेना कि बस टर्मिनल कहाँ पर है।
जब आप बस टर्मिनल पूछोगे किसी से भी तो अपने कैलकुलेटर में 15 लिख लेना, आपको 15 नंबर की बस लेनी है। इस बस का किराया आज लगा है 12.5 हांगकॉन्ग डॉलर एक साइड से, तो मोटा मोटा $25 में आना जाना हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ ये मुझे बता रहे कि बिल्कुल लास्ट स्टेशन ही इसका द पीक नाम से चलती है, 15 नंबर द पीक, तो द पीक इसका लास्ट टर्मिनल है, वहां उतरेंगे और वहां से भी आपको फिर एक और सीक्रेट तरीका दिखाएंगे आप बेस्ट व्यू लेने का विक्टोरिया पीक से। और विक्टोरिया पीक फेमस ही इसलिए क्योंकि वहां से आपको हांगकांग का बहुत जबरदस्त व्यू नजर आता है। तो चलो मेरे साथ चलते हैं इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्नी में और सस्ते में एंजॉय करते हैं विक्टोरिया पीक को। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ पीक के मेन पॉइंट पर। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही तगड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, ये शायद इनके ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक है जिसका अपना अलग चार्ज है। और ये पीछे इन्होंने एक ट्रैम का डब्बा भी रख रखा है सैंपल के तौर पर, तो आप ऐसी सी ट्रैम में बैठ के ऊपर आते हैं। तो ये है इनका मेन हैपनिंग सा पॉइंट, यहाँ खाने पीने के लिए बतेरे सारे ऑप्शन है। लेकिन अब हमें जाना है एक्चुअल विक्टोरिया पीक के व्यू पॉइंट पर, जो कि है एक हिडन रास्ता जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ताकि जब आप आओगे तो आप वहां जाएं इंस्टेड ऑफ इस ग्लास के डब्बे में बैठे, अनइंटरप्टेड व्यू का मजा अपना अलग है ना, अभी दिखाते हैं। अब हम जो जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं ये मेन स्ट्रक्चर आप देख लो, इसके साथ में एक फ्रेम बना हुआ है, इसके साथ में व्हाइट वाला घर है, इसके बीच में से रास्ता निकल के जाता है, वहां से जाएंगे। तो आप चलते चलते जब आ जाएंगे, ये लाल सा गेट ध्यान रख लो, ये रेलिंग लगी हुई है, ये फ्रेम ध्यान रख लो, इसके साथ में अंदर की तरफ आपको जाते जाना है। जो ये वाला रूट है जाने का या जो ये वाला तरीका है जाने का, इसको बोलते हैं लोकल वाला तरीका। और लोकल वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने भी ये किसी एक लोकल के ही ब्लॉग में से पढ़ के निकाला है। और अगर आप मेरे आसपास भी देखोगे तो सारे लोकल लोग ही जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे फ्रेम में आते जाते हुए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई लोकल वाले रास्ते से लोकल चीज़ को एक्सप्लोर करो, टूरिस्ट तरीके से नहीं, ट्रैवलर के तरीके से एक्सप्लोर करो ना चीज़ों को। ओए होए होए, कुछ तो व्यूज दिख रहे हैं, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं, पर तगड़ी स्काई लाइन है भाई यहाँ की। हर दूसरे तीसरा बंदा तो यहाँ ऑडी बीएमडब्ल्यू या मर्स चला रहा है, तो भाई बतेरा पैसा लोगों के पास यहाँ पे, बहुत रिच कंट्री हो रही लिखी है बाबू ये। तो इसे बोलते हैं लूगर्ड रोड, तो ये बोर्ड पढ़ लेना और समझ जाना कि आप सही जा रहे हो। बीच में ऐसा ये कट भी आएगा, तो आपको ऊपर नहीं जाना, आपको ये ग्रिल पकड़ के जाना है। और आप ये देखो पीछे से, ये है भाई हॉन्ग कॉन्ग, मस्त है ना, ये तो झलकती है भी, देखो पिक्चर आगे आएगी। लगता है व्यू पॉइंट आ गया शायद, लगता नहीं है भाई, ये है व्यू पॉइंट। तो भाई इस ग्रिल को मत छोड़ना और आप पहुंच जाओगे इस व्यू पॉइंट पे, है ना, एकदम जबरदस्त। इसे कहते हैं मुफ्त में मजेदार व्यू देखना, क्या ही जबरदस्त स्काई लाइन है यार, ऑसम। सारी रिसर्च की हमारी मॉडी ने, ये निकाला हमारी मॉडी ने, और बेचारी वही नहीं आ पाई यार। हाय, हेलो, यस यस इंडिया, हे हाय, हेलो हेलो, ये हमारे पाकिस्तान से दोस्त मिले हैं। आप भी यूट्यूबर हैं? नो, आई एम नॉट, यू आर नॉट, टिकटॉकर, एंजॉय, थैंक यू। तो भाई ये देखो व्यू मजेदार, पर मैं गगन को मिस कर रहा हूँ, अगर वो आती तो और मजा आता, उसको वीडियो कॉल करा देते ना, वो तो आनी पाई पर होटल में है तो शायद उसको मजा आ जाए। ये है विक्टोरिया हार्बर का मेन पॉइंट, और जहाँ पर अभी हमें इसे कहते हैं विक्टोरिया पीक। और विक्टोरिया पीक की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जब यहाँ पर चाइना ने कंट्रोल नहीं किया था, पोर्चुगीज वगैरह थे, तो यहाँ पर ना पायरेट्स बहुत आते थे। तो पायरेट्स क्या करते थे, यहाँ पर आगे इस पीक पे आके ना मुंडी लगा देते थे, अपना झंडा लगा देते थे, तो जितने भी व्यापारी होते थे उनको फिर अपना पैसा प्रॉफिट उनको शेयर करना पड़ता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया विक्टोरिया पीक, क्योंकि कब्जा करने वाली आदत से। पर फिर बाद में जब चाइना ने समझौता किया तो जो सबसे बड़ा इनका पायरेट था वो ही फिर साथ में आ गया कि चलो नहीं ये पीस करते हैं यार, तो उन्होंने उसका नाम भी बदल के कुछ तो रख दिया, मैं नाम भूल गया, सी सांप पीक पीस करके बताता हूँ पढ़ के अभी क्या नाम है इसका। तो इसको पीस का माउंटेन भी बोलते हैं, और ये जो है 552 मीटर की हाइट पर है, और ये हांगकॉन्ग का सबसे ऊंचा माउंटेन है, तो ये इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस। और ये व्यू पॉइंट तो बहुत तगड़ा है, यहाँ से भी पूरा पनोरामिक व्यू नजर आएगा, मैं इसे दिखा देता हूँ एक बार, बट आई विल गिव यू अ बेटर शॉट फ्रॉम हियर, अमेजिंग यार। तो अगर आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा हांगकांग वाला, नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, जाके देख लो। तो वहां पर मैं आपको सिम्फनी ऑफ लाइट एक शो दिखाया था,
जो ये पूरी लाइन देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड विक्टोरिया हार्बर, यहाँ पर पूरा साउंड एंड लाइट शो होता है, हम उस तरफ बैठे हुए थे। दिस इज हांगकांग आइलैंड और वो ओल्ड हांगकांग आप बोल सकते हो। तो अभी हम रह वहाँ रहे हैं पर हम घूमने यहाँ पर आए हैं, और ये ऐसे दो सी को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल ब्रिजेज और टनल्स बनी हुई हैं, विच इज़ अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया है। तो जो मैं इसका चाइनीज नाम भूल गया था विक्टोरिया पीक का, वो है ताई पिंग शान, बोले तो माउंटेन ऑफ अटर पीस। और यहाँ से आपको जो सारी बिल्डिंग नज़र आती है, इसमें से जो ये वाली बिल्डिंग है इसे बोलते हैं ICC इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ हांगकांग, जिसकी हाइट है 200 मीटर, और अभी हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 550 मीटर पे, तो हम उससे डबल से भी ज़्यादा हाइट पर खड़े हुए हैं। तो ये हो गई विक्टोरिया पीक, मैंने गगन को वीडियो कॉल करके दिखा दिया है, और अब समय हो गया यहाँ से चलने का, क्योंकि आज रात की ही हमारी फ्लाइट है। तो देखते हैं कि वे बैक टू होटल मैं यहाँ पे और क्या क्या एक्सप्लोर कर पाता हूँ, एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। पर यहाँ पर आके मज़ा आ गया एक बार, और जाते जाते लास्ट व्यू आप देख लो वाटर फ्रंट का और पूरे हांगकांग की स्काई लाइन का। तो ये होगी ज़बरदस्त हाइकिंग टू विक्टोरिया पीक, और अब वापस बैक टू सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से देखते हैं कि कुछ देखने लायक मेरे पास समय बचेगा या मुझे भाग के गगन के ही पास जाना पड़ेगा। अभी शी इज टेकिंग रेस्ट, जल्दी ठीक हो जानी चाहिए हमारी मऊड़ी, नहीं तो अभी तो पूरा जापान बचा है इसके आगे। चलो भैया, अब आपसे मिलते हैं सेंट्रल स्टेशन पे, देखते हैं कि आगे जाने का कुछ विचार बनता है या फिर वापसी बैक टू होटल, और ये प्यारी सी वॉक को करते हैं कंक्लूड और जल्दी जल्दी भाग कर पहुँचते हैं। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। जो बस का ट्रैवल टाइम था वो था लगभग 35 मिनट फ्रॉम सेंट्रल स्टेशन टू पीक द पीक, और जो मेरा वॉकिंग टाइम था वो था लगभग 13 से 14 मिनट, क्योंकि बहुत तेज़ चल रहा था मैं, तो अगर आप स्लो वॉक करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और एक और क्लियर व्यू पॉइंट आ गया, देख लो। और वो जो आपको इनिशियली एक ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक में दिखा रहा था वो ये डेक है। तो जो ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे रंग बिरंगे छोटे छोटे मच्छर से ये लोग खड़े हैं वहाँ पर, और वहाँ से सिटी का पूरा व्यू देख रहे होंगे। यहाँ से तो नहीं दिख रहा व्यू, पर व्यू वही होगा, वो पेड है और ये वाला फ्री चेंज, थैंक यू। यहाँ पे ना हांगकांग में एक अच्छी बात और है कि जब आप बस में चढ़ते हो वैसे तो आप ऑक्टोपस कार्ड यूज कर ही सकते हो एग्जैक्ट अमाउंट डिडक्ट करने के लिए, डिजिटल मैकेनिज्म है, लेकिन गवर्नमेंट डिजिटल प्रमोट करने के लिए और क्या करती है कि अगर आपके पास ऑक्टोपस कार्ड नहीं है तो आपको एग्जैक्ट चेंज डालनी पड़ेगी। जैसे हमारी अभी टिकट है $12 और 1 सेंट और 10 सेंट, तो मुझे 12.10 एग्जैक्ट चेंज डालनी थी, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट चेंज डाली, थोड़े सिक्के का वजन कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कैसे पुश कर रही है डिजिटल मैकेनिज्म के लिए, वो बहुत बढ़िया चीज़ है देखने के लिए। और यार गवर्नमेंट की बात से एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है जब से मैं हांगकांग आया हूँ, कि ये सारी एशियन कंट्रीज जो भी हमारे नेबरिंग हैं, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, कितने ही ज़्यादा एडवांस है यार। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर पहुँचने में हमें भी कितना और समय लगेगा। हमारे यहाँ तो लोग आज भी गुटखा खा के थूक ही रहे हैं। मैं प्राउड इंडियन, प्राउड भारतीय हूँ, मेरा भारत महान, लेकिन भाई हमारी सरकारों को बहुत काम करना पड़ेगा अभी, अगर इनका लेवल मैच करना है और वाकई में भारत को दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनाना है। तो ट्रैवल करते हैं ना तो इन चीज़ों को और समझ में आता है कि कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ और इम्प्रूव किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो भाई बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अभी हमें। तो हांगकांग की एक और अट्रैक्शन है, उसे बोलते हैं द व्हील, जो कि मेरे बिल्कुल सामने है ये व्हील। अभी जाके देखते हैं अगर इसमें एंट्री अलाउड हुई, कम टाइम में एंट्री अलाउड हुई, मुझे एंट्री तो ऑफ कोर्स अलाउड होगी, तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। गगन तो नहीं आ पाएगी ना, ठीक है कोई बात नहीं, हार्ड लक। पर हमें निकलना भी है जापान के लिए आज, तो देखता हूँ मैं कितनी वेटिंग और कितनी देर में नंबर आ जाता है यहाँ का, लेट्स सी। भाई ये सारी की सारी जनता लगी हुई है इसी गंडोला की राइड लेने के लिए, तो किसी कीमत पे मेरा नंबर नहीं आने वाला। जितना टाइम है हमारे पास प्रोबेबली आई हैव टू स्किप इट। अगर आप आना चाहें तो प्राइवेट राइड जो है वो 160 की है, पूरा का पूरा गंडोला आपका, एक बंदे अडल्ट का $20, बच्चे का और सीनियर सिटीजन का $10, और 3 साल से नीचे का फ्री। तो आप आके इन्जॉय कर लेना, हम तो कर नहीं पाए यार, सैड फेस लेके वापस जाना पड़ेगा। पता किया भाई लोगों से वेटिंग टाइम कितने हैं, के एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, तो बोल रहे हैं 1 घंटा।
इतने में तो काम हो लेगा हमारी जापान की फ्लाइट का। चलो नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाना भाई, है तो सस्ता, 200 रुपये अगर इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट करूँ फॉर सच अ राइड इज नॉट एट ऑल अ बिग अमाउंट। बोलते हैं कि 3 चक्कर लगाता, 10 से 15 मिनट की राइड होती है और अभी वेटिंग टाइम 1 घंटा है, 15 मिनट और सवा घंटा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा पहुँचना, तो नहीं हो नहीं पाएगा भाई। चलो फिर देखते हैं, चलते हैं अपना शिमशा शुई। और ये आइसक्रीम वैन आई है और ये देखो आइसक्रीम खरीदने के लिए भी सिविक सेंस कितनी तगड़ी है, लोग लाइन में लगे हैं प्यार से, हमारी तरह धक्का नहीं मार रहे एक दूसरे को यार, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको फेरी से भी आप जा सकते हो शिमशा शुई, एक बार मैं पता कर लेता हूँ रेट क्या है और अगर टाइम कम हुआ और वेटिंग टाइम भी कम हुआ तो फेरी से चला जाऊँगा। तो भाई सुनने में आ रहा है अक्टूबर चल तो जाएगा और ये लाइन लगी हुई है फेरी में जाने की, तो ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जो मिस हो जाता। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, आई हैव टाइम नाउ। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हुआ है 5:30, तो इंडिया का टाइम दिखा रहे हैं ना, ये तो मुझे 2.5 घंटा ऐड करना पड़ा, तो 5:30 के आसपास हुआ है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है पहुंचने में। एक बार चलते हैं इसी से शिमशा शुम, चल गया चल गया, ऑक्टोपस चल गया। तो भाई ये है फेरी जिसके अंदर हम जाने वाले हैं, शायद अभी लोगों को उतारेगी फिर हमें चढ़ाएगी, तो ये भी मजेदार एक्सपीरियंस है। और यही तो नहीं स्टार फेरी, ओ हाँ यही स्टार फेरी है, ये तो वन ऑफ द प्राइम एक्सपीरियंस है हांगकांग का। लो भाई मजे मजे में हो गया वाला एक्सपीरियंस भी, अब चलते हैं स्टार फेरी में, मस्त होने वाला है भाई। ने खोल दिया किस्मत का दरवाजा और सब भागे जा रहे हैं भाई, चलो 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 चलो, ये देखो चलो 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 शिमशा शुई। ये देखो भाई ऐसे किस्मत के दरवाजे खुल गए यहाँ पे और अब चढ़ रहे हैं इस मस्त सी बोट में, चलो। ये चल दी हमारी फेरी और ये रहे हमारे पायलट साहब, ये है व्यू हांगकांग का फ्रॉम द सी। ये भी एक बढ़िया तरीका है स्काईलाइन देखने का, जबरदस्त वाली मस्त व्यू शिमशा शुई जाने का, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से कितने लगे होंगे, 10 हांगकांग डॉलर लगा होगा चार्ज, उससे ज्यादा मेरा मेट्रो में लग जाता, तो उतने कम पैसे में हम लोग पहुंच रहे हैं, हेलो उससे कम पैसे में हम लोग पहुंच जाएंगे भाई साहब, मस्त लगा यार बहुत ही बढ़िया। तो आपको याद होगा कि जो ये घंटाघर हमने आपके फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, सामने आपका जो वो सिम्फनी वाला शो हुआ था वो इन बिल्डिंग्स में हुआ था, वो है हमारा हांगकांग आइलैंड, और यहाँ से बैठ के हम उस पूरे शो का मजा ले रहे थे। तो हम उस हांगकांग आइलैंड से आ गए हैं इस पुराने हांगकांग की तरफ और शायद यही सामने शिमशा शुई है। कितनी 5-7 मिनट की सारी राइड नहीं हुई होगी, इससे ज्यादा टाइम तो ट्रेन में लग जाता, तो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस भी हो गया, सस्ते में भी हो गया और हांगकांग के समुद्र में भी आ गए। यू आर फ्रॉम हांगकांग? ओह वेरी, व्हाट्स योर नेम? मई। हाय मई, हाय अरुण। भागो समय की परिकाष्ठा को देखते हुए, फेरी से निकल कर भागो। मात्र 10 मिनट के अंदर पहुंच गया हूं मैं चुंगकिंग मैंशन और उठाते हैं अपने बैग और निकलते हैं जापान। हाँ जी, तो आज के पूरे व्लॉग में आपने मुझे शायद ही मुश्किल से देखा हो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई एम नॉट श्योर कि हम दोनों जापान कैसे करेंगे क्योंकि उसके आगे भी हमारी 2 और कंट्रीज लाइंड अप है और सारी बुकिंग हो रखी है, तो आपको शायद आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। तो मैं अभी आपको ना फटाफट बता देती हूँ, अभी हम लोग बैठे हैं, ये एयरपोर्ट है, ये देखो ये लड़का हमारा चिटर चिटर खाने में लगा हुआ है। तो अभी हमने क्या किया था, जैसे एयरपोर्ट आने के कहीं पर भी है, अगर आप जैसे हम थे शिमशा सुई में, तो एयरपोर्ट आने के 2-3 तरीके हैं। हमारा जो शिमशा सुई था वहाँ से 8:21 चलती है बस, जो कि डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट पहुँचा देती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन बोलते हैं। बट रोड का हमने शाम में इसलिए नहीं करा क्योंकि 7 बजे थे तो बहुत ट्रैफिक होता, तो रिस्क नहीं लिया हमने। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप मेट्रो कर लो, मतलब MTR कर लो, तो MTR के भी 2 ऑप्शन है, मैं एक सस्ता वाला बताती हूँ एक महंगा वाला बताती हूँ।
सस्ता वाला क्या है, नहीं पहले महंगा बताती हूँ। तो जी महंगा वाला क्या है कि आप कहीं से भी चले जाओ और आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़ लो, तो ग्रीन कलर की लाइन होती है, जो भी आपका बेस स्टेशन है वहां से आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का देख लो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो मैक्सिमम फेयर है वो है कुछ 150 हांगकांग डॉलर है शायद, और मिनिमम है 65 हांगकांग डॉलर। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे है डिपेंडिंग कि आप वो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कितने कौन से स्टेशन से पकड़ रहे हो। ये हो गया महंगा तरीका। तीसरा तरीका जो आपको कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट फॉर वेजी वॉन्डर्स, आप अपने कोई भी बेस स्टेशन से जहाँ पर भी आपका होटल है वहाँ से आ जाओ, आप टुंग चुंग स्टेशन आ जाओ। टुंग चुंग स्टेशन जो है बेसिकली वो वहाँ है जहाँ पर वो टिया टान बुद्धा वाली गंडोला नहीं चलती थी, तो वो आपको वहाँ पर आ जाओ। टुंग चुंग से जैसे ही आप एग्जिट करोगे आपको लेनी है S1 या फिर S56। ये दोनों जो है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है और ये लेगी आपसे मात्र 3.2 हांगकांग डॉलर लेगी और आपको पहुँचा देगी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के बिल्कुल ही जड़ में। और जितना आपका MTR का खर्चा लगा होगा, मेरा तो जैसे 20 के करीब लगा, तो मतलब मैं 23-24 हांगकांग डॉलर में एयरपोर्ट पहुँची है। मेरा टोटल जो ट्रैवल टाइम था वो था 55 मिनट्स टू आई थिंक 60 मिनट्स कुछ ऐसा था हमारा, इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम ऑफ बस का वेटिंग टाइम मिला के था। तो ये तो जी आप एयरपोर्ट पहुंच गए। अब एयरपोर्ट के बाद में आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस था। मतलब जब हमने फ्लाइट दिखाई, मतलब फ्लाइट का टिकट दिखाया काउंटर पे, तो उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने मेरे से सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट मांगा और मुझे जाने दिया अंदर। एक्चुअली यहाँ पर मेरी थी HK एक्सप्रेस और HK एक्सप्रेस में आपका 7 kg बैगेज सिर्फ अलाउड था और मैंने 20 किलो लिया है ऊपर से लिया, तो उसके आई थिंक कुछ 4,500 थे, तो मैंने एक ही लिया था 20 किलो। तो 20 किलो प्लस 7 प्लस 7 पे हमने अपना एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। मैंने वेट तो वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो आप भी अपना लिमिट जो है लिमिट तक ही रुकना आप अपने वेट में, क्योंकि वो एक एक आधा आधा किलो भी चेक हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको गेट दिख जाएगा, गेट पे आपके बोर्डिंग पास पे होगा गेट, फिर उसका आपको इमिग्रेशन करना। इमिग्रेशन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट मांगा बस सिंपल, मुझे जाने दिया अंदर। तो जी अभी हम बैठ गए यहाँ पर, हमारी 11:55 की PM की फ़्लाइट है और हम सुबह पहुँच जाएंगे 5 बजे जापान पहुँच जाएंगे। जापान पहुँच के हमने पहले क्या मैंने प्री बुकिंग करी है, होटल क्या है क्या नहीं है, एरियाज़ क्या है, हम क्या करेंगे, वो हम आपको कल के व्लॉग में बताएंगे। तो अभी के लिए हम करते हैं अपना हांगकांग डे 2 बेसिकली, क्योंकि सेकंड डे तो मेरा मकाओ ही था, तो उसको हम करते हैं अंत और आपको मिलेंगे हम जापान सीरीज में। बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get